हेलो दोस्तों, मैं हूं शमीम। आप देख रहे हो साजिम मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो हमारा पास है आइकोनिक का एचडीआर टीवी। ये देखिए, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको लाइन देकर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, सप्लाई मैंने दे दिया। तो देखिए, ये देखिए आपको देखने को मिलता है वो जो इधर उधर जो आपको आग देखने को मिलता है पिक्चर ट्यूब से वो निकलता है। देखिए तो इसको हम किस तरह से इसी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करूंगा वो आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम पावर कॉर्ड को निकाल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने पावर कॉर्ड को निकाल लिया। उसके बाद हम हमारा जो एसटी का जो ये एसटी का जो हमारा कैप है उसको हम निकालेंगे। तो उसके पहले हम डिस्चार्ज कर लेता हूँ। डिस्चार्ज कर लिया, उसके बाद इसको हम खोलेंगे। देखिए, खोल लिया मैंने। उसके बाद कपड़े के जरिए हम इसको इसके ऊपर जो गंदगी है उसको साफ कर लेंगे। अच्छे से आपको साफ करना है क्योंकि डस्ट वगैरह ना रहे। उसके बाद ये देखिए हमारा पास है एम सील का रेड आर टीवी। तो इसी को हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पूरा पहले लगा दिया, उसके बाद लगे तो मैंने बाद में लगाएंगे। इसको लगाने के बाद देखा दो।
ये देखिए मैंने लगा दिया, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने लगा दिया। और इसके बाद फिर से हम इस कैप को लगाएंगे और देखेंगे हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए मैंने कैप को लगा दिया, उसके बाद मैंने फिर से पावर देता हूँ, पावर दे दिया। ये देखिए अभी कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए हमारा फोन की साइड, ये हमारा अभी डिस्प्ले में ही में भी हमारा अच्छा से आ गया। लेकिन देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना है, इसको लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा आएगा, आ सकता है, ये नहीं है कि आएगा, कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं आता है। तो वो आते आपको कुछ टाइम फैन के अंदर नीचे में आपको रखना है क्योंकि वो सूख जाए, वेट करना है कुछ टाइम, उसके बाद सूख जाएगा जब तभी वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको वो आपका ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलता हूँ दूसरा वीडियो में।